आज हम करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस, नोन एज कॉग्निशन ऑफ ए कोलाइड और प्रेसिपिटेशन ऑफ ए कोलाइड। सो वी नो दैट कोलाइड्स आर स्टेबल, दे आर चार्ज्ड, द कोलाइड पार्टिकल्स इन ए पर्टिकुलर कोलाइड कंटेनर्स सेम टाइप ऑफ चार्ज। सो इफ बाय सम मीन्स दिस चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स इज रिमूव्ड, दीज कोलाइडल पार्टिकल्स कम क्लोज टू अदर, दे कम नियर टू अदर एंड फॉर्म एग्रीगेट्स, देयरफॉर दे ग्रो इन साइज and ultimately settle down under the force of gravity. This process of settling of colloidal particles is known as coagulation of the collide or precipitation of the collide. ऐसा एक तरीका है जिससे हम coagulate कर सकते हैं, जिससे coagulation होती है collide की, that is by the addition of excess of electrolyte. यानी हम एक्सेस अप्लाई करते हैं एड, उससे कॉगुलेशन होता है। कैसे होता है कॉगुलेशन? क्योंकि कोलाइडल पार्ट, जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं एक्सेस क्वांटिटी में, क्योंकि यू नो दैट इन ट्रेसेस द इलेक्ट्रोलाइट्स आर एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइड, बट इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन एक्सेस, कॉगुलेशन ऑफ कोलाइड टेक्स प्लेस, द कोलाइडल पार्टिकल्स टेक्स अप आयन्स, दे टेक अप आयन्स carrying opposite charges from the electrolyte. As a result, the charge gets neutralized, that is charge on the collided particles gets neutralized, and these uncharged collided particles, they come close to each other and form bigger sized particles and ultimately settle down, leads to coagulation or precipitation of the collide. This also known as flocculation. Now we have Hardy Schulze rule related to this coagulation. This rule is related to this coagulation. Different electrolytes जो होते हैं, they have different coagulating power. यानी हर इलेक्ट्रोलाइट का सेम कॉगुलेटिंग पावर नहीं है। इफ विल टेक NaCl एंड AlCl3, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स, टू इलेक्ट्रोलाइट, दे हैव डिफरेंट कॉगुलेटिंग पावर, उनका कॉगुलेटिंग पावर डिफरेंट है। सो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैव डिफरेंट कॉगुलेटिंग पावर। दिस कॉगुलेटिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी, एज पर हार्डी शुल्ज़ रूल, दिस कॉगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन the valency of the active ion. Valency of the active ion means the ion which carry the charge opposite to the colloidal particle. So coagulating power of the electrolyte depends upon the valency of the active ion is that ion which carry charge opposite to that on the colloidal particle. So greater the valency of the active ion or flocculating ion, both hands go active ion or flocculating ion, greater will be its coagulating power. Uska coagulating power utna zyada hoga. And if I make here Na plus, अगर मैं Na प्लस लूंगा AlCl3 प्लस Na प्लस है, सो Al3 प्लस का वैलेंसी एल्यूमिनियम का वैलेंसी यहाँ पर ज्यादा है, ग्रेटर द वैलेंसी एल्यूमिनियम हियर एज कंपेयर टू सोडियम, इसमें 3 पॉजिटिव वैलेंसी है, इसका सिर्फ 1 पॉजिटिव है, सो दिस हैज मोर कॉगुलेटिंग पावर, इसका ज्यादा कॉगुलेटिंग पावर होगा एज कंपेयर टू सोडियम, सो सोडियम से इसका कॉगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। अगर मैं हम लीजिए यहाँ पर एक नेगेटिव सॉल्ट AS2S3, दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट, ये नेगेटिव सॉल्ट है,
इसका नगर चार्टर सॉल्व है। अब जो डिफरेंट आयान्स होंगे यहाँ पर उनका जो कॉलोनी पावर है, ए एल जो है जो इसको कॉलोनी कर सकते हैं उनका जो कॉलोनी पावर है इन द डिक्रीज ऑर्डर दैट इज ए एल थ्री प्लस, इसका हाईएस्ट कॉलोनी पावर होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम टू प्लस, मैग्नीशियम ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू एन ए प्लस। टू कॉगुलेट दिस एस टू एस थ्री द कॉगुलेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट आयान्स are in the order. So aluminium 3 plus has more coagulating power than the magnesium 2 plus, and magnesium 2 plus have more coagulating power than sodium plus. Exactly, if we have FeOH whole thiazide, this is a positive sole, ये positive charged sole है, ये positive charged sole है। अब यहाँ पर जो active ion होगा उसका negative charge होगा, active ion जो होगा यहाँ पर, coagulating ion जो होगा यहाँ पर, यहाँ flow फ्लॉक्यूलेटिंग आयन होगा उसका नेगेटिव चार्ज होगा। सो उस जिस आयन की ज्यादा वैलेंसी होगी उसका उतना कॉगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। सो इस केस में Fe(CN)6 4- इसका 4- इस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज 4- है, सो इट हैज मोर कॉगुलेटिंग पावर ऑफ कॉगुलेटिंग दिस FeOH होल थ्राइस देन दिस इज SO4-2-, इससे और इसका ज्यादा है Cl नेगेटिव से, सो इसका ज्यादा कॉगुलेटिंग पावर है क्योंकि वैलेंसी ज्यादा है। सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू हार्डी शुल्ज़ रूल। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट मोर द वैलेंसी, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द आयन एक्टिव आयन, मोर इज द कॉगुलेटिंग पावर, ज्यादा कॉगुलेटिंग पावर होगा। सो अब हम यहां पर देखते हैं, अगर मिनिमम कंसिडर द इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम कंसिडर द इलेक्ट्रोलाइट मिनिमम कंसेंट्रेशन, यानी हाउ मच कंसेंट्रेशन मिनिमम इज रिक्वायर्ड टू कॉगुलेट अ पर्टिकुलर कोलाइड। सो मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, इन मिलीमोल्स, मोल्स में नहीं मिलीमोल्स में, मिली हो गया 10^-3 मोल्स हो गए मिलीमोल्स, इन मिलीमोल्स। So minimum concentration of the minimum concentration of an electrolyte required in millimoles to cause the coagulation of the electrolyte is known as coagulating value. उसको बोलते हैं coagulating value. यानी how much concentration of the electrolyte in millimoles is required to coagulate a particular colloid is known as इट इज कॉगुलेटिंग वैल्यू। सो इलेक्ट्रोलाइट का कॉगुलेटिंग वैल्यू होता है ये। यहां पर अगर हम लेंगे एक मिलीमोल्स पर लीटर, हम लेंगे यहां पर लीटर में मिलीमोल्स पर लीटर, सो कॉगुलेटिंग वैल्यू इज एक्चुअली कॉगुलेटिंग वैल्यू डिफाइंड एज द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड इन मिलीमोल्स पर लीटर टू कॉगुलेट ए पर्टिकुलर कोलाइड इज नोन एज इट इज कॉगुलेटिंग वैल्यू। उसको बोलते हैं कॉगुलेटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो यहां पर NaCl का कॉगुलेटिंग वैल्यू है यहां पर 51, AlCl3 का कॉगुलेटिंग वैल्यू 0.093, इसका कॉगुलेटिंग वैल्यू है। सो इसका मतलब है इसका कम है मिनिमम इसका, क्योंकि इसकी वैलेंसी ज्यादा है एज पर हार्डी शुल्ज़ रूल, जिसकी वैलेंसी ज्यादा उसका कॉगुलेटिंग पावर ज्यादा। सो इसका मतलब है इसका कॉगुलेटिंग वैल्यू भी कम है, इसका कॉगुलेटिंग पावर ज्यादा कॉगुलेटिंग वैल्यू कम है, इसका जितना कॉगुलेटिंग वैल्यू कम होगा उतना उसका कॉगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। सो कॉगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कॉगुलेटिंग पावर जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू कॉगुलेटिंग वैल्यू, ये कॉगुलेटिंग वैल्यू को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मींस सीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/CV, जितना सीवी ज्यादा उतना कॉगुलेटिंग पावर कम, जितना सीवी कम उतना कॉगुलेटिंग पावर ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है इसको। सो देयर आर अदर मेथड्स, दिस वाज द कॉगुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कोलाइड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देयर आर अदर मेथड्स बाय व्हिच दिस कॉगुलेशन कैन बी डन, जिससे हम कॉगुलेशन कर सकते हैं। सो दीज मेथड्स आर बाय म्यूचुअल, नंबर वन म्यूचुअल
म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, यानी नेगेटिव को हम पॉजिटिव में, नेगेटिव कोलाइड में बुलाएंगे पॉजिटिव कोलाइड में, वहां पर होगा म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, उससे होगा ये कॉग्निशन। दूसरा है बाय इलेक्ट्रोफोर्सेस, इलेक्ट्रोफोर्सेस। तीसरा मेथड आप यूज कर सकते हो बाय परसिस्टेंट, परसिस्टेंट डायलिसिस, डायलिसिस इससे हम कर सकते हैं, परसिस्टेंट डायलिसिस से, या हम कर सकते हैं हीटिंग से, हीटिंग से कर सकते हैं, या और कूलिंग से कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन या कॉग्लेशन। सो दिस वाज अबाउट कॉग्लेशन। सो वन मोर थिंग अबाउट दिस हार्डी शोजी रूल इज दैट द कॉग्लेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल, कॉग्लेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एक्चुअल आयन, फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एक्चुअल आयन। जनरली स्पीकिंग कॉग्लेटिंग पावर एक्चुअली डिपेंड करता है वैलेंसी ऑफ द एक्चुअल आयन पे। अब अगर हम मैथमेटिकली बताएंगे सो इट इज कॉग्लेटिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी ऑफ द एक्चुअल आयन। सो दिस वाज अबाउट कॉग्लेशन एंड हार्डी शुल्ज़ी रूल। Okay.